तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला आप जो है शूज शॉप का एक बैनर कैसे बना सकते हो, क्योंकि इसके लिए जो मुझे एक कमेंट आया था तो इसलिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं फटाफट दिखाता हूँ। अगर आपको ये बैनर पसंद आएगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी ऐसे ही हर एक नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फटाफट जो अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा मेरा, जो भी PLP फाइल ओपन करता हूँ मैं अपने बताता हूँ आपको एडिटिंग के लिए, तो वैसे सब कुछ आपको काम बताऊँगा मैं इधर पे भी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका PLP फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है उसके लिए आपको जो वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वीडियो में ही पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं अपने बैनर के बारे में। तो इधर मैं अपने पिक्सल एप्लीकेशन को जो ओपन कर लिया हुआ है, और इधर मैं इस फाइल वाले आइकन पे जो क्लिक करता हूँ, यानी कि PLP फाइल का जो आइकन है इस पर क्लिक करके इधर से PLP फाइल मैंने एक बनाया हुआ है, स्विच पोस्टर करके नाम दिया हुआ इसको, इधर मैंने इसको जो ओपन कर लिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ दोस्तों, और इधर पे एक मैंने सिंपल सा एक बैकग्राउंड लिया हुआ। अगर आपको ये बैकग्राउंड जो पसंद नहीं आता हुआ दोस्तों तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। कैसे कैसे क्या आपको इधर पे चेंजेस क्या क्या करने हैं मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो बने रहे, वीडियो देखते रहे। चलिए फटाफट जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलिए बात ही कर लेते हैं जो बैकग्राउंड मैंने इधर पे लिया हुआ है। बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना होगा तो आपका क्या करोगे आप, तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको इधर भी फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी ए वाला ऑप्शन है, उसके बाजू में भी एक ऑप्शन है। पहले देखो तो ए वाला ऑप्शन है, उसके बाजू में एक ऑप्शन है, उसके बाजू में भी एक ऑप्शन है। तो आपको इस फोर्थ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ही फर्स्ट नंबर पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर जो कलर में कोई भी बैकग्राउंड एक दे सकते हो, या तो अगर आपको कलर में कोई भी बैकग्राउंड नहीं देना है तो आप जो है ग्रेडियंट कलर में भी कोई भी बैकग्राउंड को दे सकते हो। कुछ इस तरीके से देख सकते हो मैंने कई सारे जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है, तो आप इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड को दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा बैकग्राउंड पसंद है। अगर आपको मेरा वाला ही बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने पहले जो स्टार्टिंग में ये वाला बैकग्राउंड लगाया था, अगर आपको यही बैकग्राउंड पसंद है तो आपको यही रहने देना है। वो आपके ऊपर, आपकी सोच की, यानी कि आपके मतलब कि आपके दिमाग का, आपका क्रिएटिविटी के ऊपर है। मैंने आपको बता दिया है चेंजेस करने के लिए कैसे आपको चेंजेस करना है बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आपको नेम इधर पे जितने सारे मैंने आपको हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और नीचे मैंने जो एड्रेस डाला हुआ है, ये सब कुछ कैसे आपको चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इधर पर मैंने कुछ जो कंपनी के लोगो यानी कि आइकन्स बोल सकते हैं कंपनी के नाम के, वो मैंने ऐड किया हुआ इधर पर लेयर के ऑप्शन। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इधर पर देखोगे दोस्तों कई सारे जो मैंने इधर पर कंपनी के लिए हुए हैं, तो इधर पर देख सकते हो कई सारे आपको इधर पर देखने को मिल जाते हैं। रीबॉक का, स्पार्क का, नाइकी का, एडिडास का, लखानी का, पैरागॉन का, ऐसे ही मैंने जो काफ़ी सारे जो कंपनी के नाम इधर पे लगाए हुए हैं लोगो उसके, और उसके जो शूज हैं। अगर आपके पास कुछ अलग क्वालिटी के शूज हैं तो आप उनका लोगो आपको जो इधर पे लगा देना है। लोगो लगाने के लिए आपको कहाँ से लेना है लोगो, आपको प्लस के आइकन क्लिक करना है, आपको फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको पहले जो लोगो डाउनलोड करना है आपने गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड करके आपको जो इधर से आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इधर से कोई एक आइकन यानी कि कोई भी एक जो है इधर से लेता हूँ मैं किसी भी लोगो को नाम के, इधर पे जैसे मैंने रिबॉक का ले लिया। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको साइज़ इसका छोटा करना है। साइज़ कितना बड़ा आपको रखना है बता देता हूँ मैं, साइज़ आपको जो 5 तक रखना है। इसके लिए आप ए वाला ऑप्शन है, ए के बाजू वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको जो है इधर रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके जो है इसका जो इधर रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन है इधर पर आपको जो A5 कर देना है, जो आपका ये जो विड्थ है इसको 5 तक लेके जाना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो नीचे पोजीशन के ऑप्शन क्लिक करके आप जो इसका पोजीशन जो है आप चेंजेस कर सकते हो। नीचे ऊपर आपको कर देना है इसकी मदद से। बस दोस्तों इसका जो मतलब कि सेफ साइज है इसका जो 5% तक रहना चाहिए विड्थ का, उसके बाद आपको जो इधर पे लेके सेट कर देना वैसे ही। इसको चलिए अभी के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इधर से। और दोस्तों इधर मैंने कुछ शूज के इमेज भी लगाए हुए हैं, अगर आपको ये सब इमेज पसंद नहीं आ रहा होगा तो आप जो अलग से डाउनलोड करके नेट से जो ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अभी चलिए टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को आपको कैसे एडिटिंग करना है, और आपको अपना नाम कैसे डालना है, आपका अपना एड्रेस कैसे डालना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो चलिए फटाफट जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा इसके लिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फोन कन्वर्टर। तो ये एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, जाके आपको सर्च करना है मराठी फोन कन्वर्टर या इंडियन फोन कन्वर्टर, दोनों ही आप सर्च करोगे तो दोस्तों आपको जो ए वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उधर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अभी आपको करना है आपको इस एप्लीकेशन को जो ओपन करना है, जैसे आप इसको ओपन करोगे ये दोस्तों एप्लीकेशन जो है आप बिना नेट के द्वारा भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसको ओपन करना है दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको यूनिकोड टू 3D का एक ऑप्शन मिलता है देखने को, आपको इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप इधर पे जो कुछ भी अभी टाइपिंग करना चाहते हो, अपना एड्रेस चेंज करना है, अपने शॉप का नाम चेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने जो लिखा हुआ था सौरभ शूज सेंटर करके लिखा हुआ था, तो इधर मैं अपना नाम ही चेंज करके आपको बताता हूँ। आप वैसे जो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, उसमें मैंने जो कुछ भी हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए जैसे मैं सौरभ लिखा हुआ है, तो इधर मैं जैसे सचिन नाम डालता हूँ, और मैं इधर पर जो यूनिक कोड टू सीधे का बीच में ये ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इधर कॉपी का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद चलिए मैं इधर पर जाता हूँ वापस अपने पिक्सल एप्लीकेशन में, इधर से पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इधर पर जो मैंने सौरभ शूज सेंटर नाम डाला हुआ है शॉप का, इसमें मैं डबल टाइप करता हूँ। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट वाला सौरभ नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको हटाता हूँ कट करके, और इधर से मैं जो अपना वो उधर से कॉपी किया है उस एप्लीकेशन से उसको मैं इधर पेस्ट करके उसके बाद डन करके ओके कर देता हूँ। तो मेरा इधर पर जो नाम चेंज हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। तो आप इस तरह के जो नाम चेंज कर सकते हो, अगर आपका नाम जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो आपको करना है आपको इधर पर एक साइज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इधर से आपको जो साइज को छोटा बड़ा करने लाए, इधर से आपको जो साइज को छोटा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इधर पे आपको सेट करना है जैसा आपको करना है। बस दोस्तों इतना ही काम करना है आपको। जो पीएल फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, और आपको पासवर्ड वीडियो में देखने को मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।